बढ़ते अपराधों की श्रेणी में आजकल महिलाएं एवं युवती तथा नाबालिग लड़कियां पुरुषों के हवस की शिकार बन रही है, जिससे कई तरीकों से मामले को सुलझाकर रफा दफा भी कर दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना अंतर्गत ग्राम बसडिला जंगल के बगही टोला के एक लड़की को सजातीय युवक द्वारा लकड़ी तोड़ने गई लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म कार्य किया गया तथा जान से मारने की धमकी देकर लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म कार्य किया गया। लड़की डर के मारे अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात अपने परिजनों को नहीं बताई। इसी बीच युवक फरार हो गया। परिजनों को इस बात का पता तब चला जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के बाद परिजनों को पता चला कि लड़की पेट से है, इधर युवक फरार हो गया था। परिजनों ने तब तक युवक का इंतजार किया जब तक वह घर पर नहीं आ जाए। युवक के घर आते ही लड़की की माँ द्वारा संबंधित थाने को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई। इस अपराध की भी किसी तरीके से संबंधितों द्वारा दबाना चाहे, लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि फिर दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए इसको दंड मिलना जरूरी है और पिता अपने बात पर अडिग है। लड़की ने बताया कि मुझे कई बार गर्भपात की दवा दी गई, लेकिन गर्भपात न होने पर युवक इस हाल में हमें छोड़कर फरार हो गया। घर कहाँ है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गल एक थी हमरा संग ना लकड़ी गोल ना तो हमने पकड़ के जबरदस्ती उनका इलेवन के राधे। राधे कौन है? मुसहर। राधे मुसहर हैं। उनके पिताजी का नाम क्या है? मन्नी। मन्नी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बसडिल्ला के। बसडिल्ला के हाँ। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? घर जा दे भाई को दे। अच्छा, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ किए? हाँ। कि कोई गलत काम भी किए? हाँ, गलत काम कहे हैं। गलत काम कर दिए? हाँ। ये कब की घटना है? पिंडिया के। हाँ, पिंडिया के कुवार में। हाँ। तो अब तक क्या कर रही थी? डर नहीं कहानी। हाँ, फिर कैसे जाने लोग तुम्हारे माँ पास? तब डर का लगा गए ना यार, दिया के तब जानना। तो डॉक्टर के पास गई थी तो क्या प्रेग्नेंट हो क्या तुम? तब डॉक्टर को अपना बच्ची है पेट में। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद अब यह घटना अपने माँ बाप को बताई? हाँ। तो फिर कहाँ आए हो तुम? बाहर रह लाका। बाहर भाग गई लाका। बाहर भाग गए सब? हाँ। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। घर कहाँ है आपका? बसडिल्ला। अच्छा, क्या हुआ था आपके लड़की के साथ? लड़की हमारे गला लकड़िया में जबरदस्ती पकड़ लग। कौन पकड़ा था? राधे। आप पकड़ के गलती कर दिया लग। गलती कैलक बार ओकर बाद दो चार आइटम बोलौलक गई ओकर बाद ही कहलक जे अपने माई बाप से कहे तो मुँह आके बिक दी नहीं कहलक डर के मारे एक तबीयत खराब भई हम ले गए डॉक्टरी दवाई कराओ के तब मुझे पता लग गई। क्या पता लगा? जो पेट में बच्चा है। हाँ। तो साहब हम मान ले होनी गरीब आदमी हम कहानी ककरा के ऊपर देव लग से पूछ लानी कि कहलक बाहर गई हुआ तब ओकर बाद गाँव आ गई हम कहानी जब आई तबे दिया गया तब जब आई लो पाँच दिन भैल अल तो दहनी है। तो क्या न्याय मिला है आपको? अन्याय हमको कुछ नहीं मिला। लड़का पकड़ कर आया है? हाँ। अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, तो यह लड़की आपको कब बताई? लड़की बतौलक हमके मानो तीन महीना हो गया बतौल। तीन महीना हो गया? तो तीन महीना में हम उदाहरण घर ना है तो हम दे नहीं कहानी क्या पकड़वाए जब है नहीं खेत तब आयल तो हम दरखास्त देनी है। अभी कितने महीने का इसके पेट में बच्चा है? सात महीना। सात महीने का हो गया? तो आप लोगों ने थाने में मतलब तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माल ने दवाई ओकर भाई हुआ दलक खाए के। हाँ। दो तीन आइटम नहीं कुछ भाई ये हमसे बतौलक बाबूजी हमको दवाई दलक खाए के माल ने कहीं जान चल गई रही तो फंस गए लेती हम कि नहीं। हाँ, आप फंस गए होते। उसके बाद? तो उसके बाद माल ने धमकी कुलगांव में जाके गाड़ी देता फजित कर रहा था। धमकी दे रहा है आप लोग को मारने के लिए? हाँ, मारने के लिए। और क्या कह रहा है? तो गाड़ी घोष सब देता और धमकी देता तो हम कहानी है ना घर का झगड़ा टंटा करा वो तो अपन वही फरिया ले। तो इसलिए आप थाने पे आए? तो इसीलिए हम थाने पे आए।
फरिया जाए मान ले अब कैसा देवे कहीं नहीं तो वो होता है पैसा ले लो अपन अथी कर लो सुलह कर लो सुलह कर लो तो हम कहें ना हम सुलह नहीं करो। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते नहीं है चालान जाए या आपकी बेटी से शादी कर ले। नहीं ये नहीं चाहते हैं। हाँ जगह करो शादी कहीं और करेंगे। हाँ